क्लाइमेट ऑफ इंडिया डेली चेंजेस इन द एटमोसफियर आलकोल वेदर मतलब की जो वातावरण में रोज ब रोज कोई ना कोई बदलाव आता रहता है उसे हम वेदर कहते हैं क्लाइमेट इज द एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ एनी प्लेस फॉर अबाउट थर्टी ईयर्स मतलब की तीस साल तक कोई भी जगह का जो एक एवरेज वेदर कंडीशन होता है उसे हम क्लाइमेट कहते हैं You may have noticed that sometimes the heat increases, sometimes it is cold and sometimes the sky is covered by clouds and the sun is covered behind the clouds. कभी कभी आपने ये नोट किया होगा कि कभी हमें बहुत ज्यादा गर्मी महसूस होती है कभी बहुत ज्यादा ठंड महसूस होती है कभी जो पूरा जो आसमान होता है वो क्लाउड से भर जाता है और कभी है वो सन है वो क्लाउड के पीछे छुप जाता है द डिटेल्स ऑफ विंड यू माइट हैव बीन लर्न फ्रॉम रेडियो और टीवी अब जो विंड की जो इंफॉर्मेशन है वातावरण की जो इंफॉर्मेशन है या तो आप रेडियो पे सुनते होंगे या तो फिर टीवी में सुनते होंगे फॉलोइंग सीजन आर एक्सपीरियंस्ड इन इंडिया नीचे दिए गए टेबल में सीजन्स दी गई है पहला है विंटर तो विंटर है वो डिसेम्बर से फेब्रुआरी तक रहता है समर तो समर है वो मार्च से मई तक होता है मॉनसून जून से सितंबर तक सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मॉनसून जो अक्टूबर टू नवंबर अब सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मॉनसून मतलब कि हम जो गुजराती में कहते हैं वाउटू तो ये सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मॉनसून ये अक्टूबर और नवंबर में जिसे हम ऑटम भी कहते हैं विंटर इज अ कोल्ड सीजन सिंस द सन रेज फॉल डाइग्नली एंड ओकेजनली स्नो फॉल सो द टेम्परेचर ड्रॉप इन द नॉर्थन प्लेन एंड द हिमालय माउंटेन रेंज अब जो विंटर है वो कोल्ड सीजन है उसकी जो सन रेज होती है वो सीधी नहीं पड़ती है उसकी वजह से कभी कभी टेम्परेचर इतना आ, नीचे गिर जाता है कि कभी कभी तो स्नोफॉल होने लगती है और स्नोफॉल का अगर बेस्ट एग्जांपल हम देखें तो वो हिमालयन माउंटेन रेंज है द एरिया ऑफ नॉर्थन पार्ट ऑफ गुजरात एक्सपीरियंस मोर कोल्ड देन अदर पार्ट ऑफ द स्टेट मतलब कि जो नॉर्थर्न पार्ट है गुजरात का वहां पे बहुत ज्यादा ठंड महसूस होती है बाकी सारे स्टेट के मुकाबले में डेज आर शोटर इन दिस सीजन अब इस इन दिनों में क्या होता है दिन है वो छोटा हो जाता है समर समर इज द सीजन ऑफ अ ट्रॉपिकल हीट समर है वो एकदम गर्मी का मौसम है टेम्परेचर राइज इज वेरी हाई एज सन रेज फॉल वर्टिकली ड्यूरिंग दिस डेज अब जो टेम्परेचर होता है वो कभी कभी बहुत ज्यादा हाई हो जाता है क्योंकि जो सूरज की किरणें होती है वो हम पे सीधी पड़ती है उसकी वजह से गर्मी ज्यादा होती है और टेम्परेचर बढ़ जाता है टेम्परेचर रिमेन लो इन द एरिया नियर द सी कोस्ट इन द कंपेरिजन टू द कॉन्टिनेंटल पार्ट ऑफ द कंट्री अब जो दरिया किनारे के लोग जो रहते हैं वहां पे टेम्परेचर लो होता है क्योंकि वहां पे गर्मी ज्यादा नहीं लगती है ड्राई एंड अ हॉट विंड ब्लो इन द नून टाइम विच लू अब जो सूखी और गर्म हवाएं जो ब्लो होती है दोपहर के टाइम में उसे हम लू कहते हैं नॉर्थन पार्ट ऑफ गुजरात एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान एक्सपीरियंस मोर हीट ड्यूरिंग दिस सीजन अब जो गुजरात का जो नॉर्थ वाला पार्ट है और राजस्थान का जो वेस्ट वाला पार्ट है वहां पे बहुत ज्यादा गर्मी महसूस होती है डेज आर लॉन्गर देन द विंटर ड्यूरिंग दिस सीजन अब दिन है वो बड़ा हो जाता है और अ, सर्दियों में क्या होता है दिन है वो छोटा हो जाता है मॉनसून मॉनसून इज अ सीजन ऑफ रेन मॉनसून है वो बारिश का मौसम है द साउथ वेस्ट विंड ब्लोइंग फ्रॉम द सी साइड आर ह्यूमिड दिस विंड्स ब्रिंग रेन अब जो साउथ वेस्ट वेस्ट से जो विंड ब्लो होती है समुद्र किनारे से वो बहुत ही मतलब ऐसी विंड होती है जो बारिश लाती है वन पार्ट वन ऑफ द करंट ऑफ दिस विंड एडवांस्ड अबाउट द अरेबियन सी टू केरला महाराष्ट्र गुजरात एंड सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया अब जो हाल ही में जो विंड होती है वो क्या करती है अरेबियन सी से केरला महाराष्ट्र गुजरात और सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया में आती है वेल द अदर करंट ऑफ वेल द अदर करंट ऑफ दिस विंड टुवर्ड द गंगा प्लेन थ्रू द बे ऑफ बंगाल अंदमान निकोबार आईलैंड एंड द ईस्टर्न इंडिया अब जो दूसरी साइड से है वो जो हवाए होती है वो गंगा मैदान से होते हुए बे ऑफ बंगाल में जाती है अंदमान निकोबार आईलैंड में और वो जो है वो ईस्टर्न इंडिया में है वेन बोथ द विंड करंट एडवांस द मीट विथ ईच एंड एंड ब्रिंग रेन वेस्टर्न उत्तर प्रदेश हरियाणा पंजाब ईस्टर्न राजस्थान अब वो जो हवाएं होती है वो एक दूसरे से मिलती है और वो हवाएं होती है वो बारिश लाती है उत्तर प्रदेश में हरियाणा में पंजाब में और फिर राजस्थान के ईस्ट साइड में विद द एडवेंट ऑफ रेन द प्लीजेंट आर एक्टिवेटेड टू डू एग्रीकल्चरल वर्क अब बारिश आती है तो जो खेडूत लोग होते हैं वो अपने एग्रीकल्चर के काम में लग जाते हैं When winds are obstructed by उंटेन दे गिव more rain. अब जो पहाड़ी जो हवाएं होती है वो और ज्यादा बारिश लाती है the rainfall in Gujarat starts from the second or a third week of June and by first week of July. अब जो गुजरात में बारिश कब शुरू होती है तो दूसरे या तीसरे हफ्ते जो जून के होते उसमें या तो फिर जुलाई के पहले हफ्ते में इट arrives ऑल ओवर गुजरात और वो पूरे गुजरात में बारिश होती है गुजरात डज नॉट हैव लार्ज माउंटेन इन द वे ऑफ दिस विंड सो लेस रेनफॉल इज धैर्ड अब गुजरात के पास इतने बड़े बड़े पहाड़ नहीं है कि जो वो हवाए वहां से छूके बारिश लाए तो गुजरात में कम बारिश होती है सिंस मोस्ट ऑफ द कल्टिवेशन इन इंडिया इज डिपेंडेड ऑन रेनफॉल अब जो ज्यादातर जो धंधे रोजगार है वो रेनफॉल पर डिपेंड करते है क्योंकि अब बारिश नहीं आएगी तो फिर खेती बाड़ी नहीं होगी सो इट इज कंसिडर दैट द गुड मानसून मीन्स द लार्ज क्रॉप इन एग्रीकल्चर अब ऐसा कहा जाता है कि अगर अच्छा मानसून गया तो अपनी जो फसल होगी वो भी अच्छी होगी धिस सीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्रीकल्चर और ये मानसून सीजन है वो एग्रीकल्चर के लिए खेती बाड़ी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है रीट रिटिंग मानसून विन सीजन So, मैंने पहले बताया रिट्रीटिंग मॉनसून विंड सीजन मतलब कि अक्टूबर और नवंबर में होने वाले गुजराती में उसको माउठा बोलते हैं विंड्स ब्लो फ्रॉम लैंड टू सी इन दिस सीजन अब जो विंड uh, होती है वो ब्लो करती है जमीन से समुद्र तक दिस इज सीन दैट दिस कंडीशन इज एब्सोल्यूटली अपोजिट टू द मॉनसून सीजन अब ऐसा हम कह सकते हैं कि ये जो कंडीशन है वो एकदम से मॉनसून सीजन के ऑपोजिट है दिस विंड ब्लोज फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट ब्लो फ्रॉम लैंड सोध्राई अब ये जो हवाएं है वो नॉर्थ ईस्ट से ब्लो करती है और, और जमीन से आती है मतलब से जमीन से समुद्र तक जाती है तो ये जो हवाएं होती है वो बहुत सुखी सुखी होती है हेंस दे डू नॉट गिव रेन और ये जो हवाएं होती है वो बारिश नहीं लाती है स्काई इज क्लियर विदाउट क्लाउड्स इन दिस डेड अब आसमान जो होता है एकदम साफ होता है क्योंकि उसमें बादल नहीं होते हैं टेम्परेचर इंक्रीज ग्रेजुअली विच एडवर्सली अफेक्ट द ह्यूमन हेल्थ अब जो टेम्परेचर है वो धीरे धीरे बढ़ता है तो वो ह्यूमन हेल्थ के लिए भी बहुत हानिकारक है टेम्परेचर स्टार्ट डिक्रीजिंग एज ऑक्टोबर एंड्स मतलब कि जो टेम्परेचर है वो कम हो जाता है मतलब कम होना स्टार्ट हो जाता है जब अक्टूबर का अंत आता है एंड सेमी कोल्ड इज एक्सपीरियंस इन द अर्ली मॉर्निंग ऑफ नवंबर और नवंबर में सुबह सुबह सेमी कोल्ड यानी कि बहुत ज्यादा ठंडी नहीं होती लेकिन ठंडी का एहसास जरूर होता है बे ऑफ बंगाल दे आर ह्यूमिड एंड गिव रेन इन तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश सिचुएटेड ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ इंडिया अब जो इंडिया के ईस्ट साइड पे कौन कौन से है तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश तो ये जो हवाएं होती है वो बे ऑफ बंगाल से पास होती है और ये जो हवाएं है वो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में बारिश देती है डिस्टिंक्ट डिफरेंस ऑफ सीजन इज एक्सपीरियंसड इन द क्लाइमेट ऑफ इंडिया अब इंडिया की क्लाइमेट में ये सारी सीजन हमें एक्सपीरियंस करने को मिलती है ड्यू टू तो दिस जनरली इट इज कॉल्ड मॉनसून क्लाइमेट और इसी की वजह से हम उसे मॉनसून क्लाइमेट कहते हैं